पुलिस ने शहर के होटल और रेस्टोरेंट पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान रजिस्टर में दर्ज लोगों के बारे में जानकारी ली। जो लोग होटलों में ठहरे हुए थे उनकी पहचान को लेकर दस्तावेज लिए हैं उसकी जानकारी ली गई। जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं मिली, सभी के दस्तावेज मिले, कोई संदिग्ध व्यक्ति में ठहरा हुआ नहीं मिला। पुलिस लगातार ऐसे जगह जहां ठहरने की व्यवस्था है उन होटलों, लॉज और रेस्टोरेंट के रजिस्टर की जांच कर संचालकों को हिदायत दे रही है कि बिना दस्तावेज लिए किसी को भी एंट्री नहीं दें। होटल रेस्टोरेंट का रूटीन चेकिंग हो रहा है, सभी के जो आइडेंटिटी वगैरह चेक करते हैं होटल के अंदर, रजिस्टर जो यात्रीगण या किसी तरह के विजिटर आते हैं तो उनकी एंट्री होती है, तो उनके जो ऑनर मैनेजर वगैरह से चेक करते हैं रजिस्टर वगैरह में एंट्री करी जाती है और उनके आधार कार्ड वगैरह आइडेंटिटी वगैरह लेनी इस चीज़ की जानकारी देती है। हमने प्रॉपर एंट्री कर रखी, रजिस्टर में इन्होंने एंट्री कर रखी और आइडेंटिटी वगैरह ले रखी है, किसी प्रकार की कोई संदिग्ध नहीं मिला। सर शहर की कितनी होटलों पर अभी तक चेकिंग है? अभी कई होटलों में चेकिंग कर चुके हैं, अभी और भी कर रहे हैं, लगातार चेकिंग वगैरह कर रहे हैं सभी होटलों को। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।